Good morning, students. Welcome to my channel, Online Education by T Square. Students, आज जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपके दिमाग में कैलकुलेशंस का कम्प्लीटली एक कंफ्यूजन चल रहा है कि ICSE क्लास 10th 2021 एग्जामिनेशन के लिए काउंसिल किस तरह कैलकुलेशन करने वाला है. स्टूडेंट्स, मैंने अपने इस वीडियो में एक पीपीटी के हिसाब से मीन्स कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने आपको बहुत टाइम दिया है. मैंने पूरी रात टाइम दिया है इसमें कैलकुलेशंस के लिए. फिर उसके बाद मैंने आपका ये वीडियो प्रिपेयर किया है. प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल में नए हैं. ओके स्टूडेंट, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहले कि देखिए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ओके सिस्के रिजल्ट प्रिपरेशन फॉर क्लास ICSE क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मैंने तीन मेन पॉइंट लिए हैं. पहली ये चीज कि लास्ट ईयर जो 19 और 20 का रिजल्ट प्रिपरेशन था, काउंसिल ने कौन सा मेथड अप्लाई किया, हम पहले उस पर डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद ओके अगर काउंसिल ने स्कूल से मार्क्स नहीं मांगे हैं, अगर नहीं, क्योंकि अभी तक स्कूल से मार्क्स नहीं लिए हैं स्टूडेंट्स, आपको एक चीज बता दूं मैं आपको कि अभी तक काउंसिल ने स्कूल से प्री बोर्ड मार्क्स नहीं मांगे. यस, अभी तक वहां पे कोई मेल नहीं आया स्कूल की प्रिंसिपल डेस्क पे, स्कूल की प्रिंसिपल से नहीं पूछा गया है. हाँ, जब भी पूछेंगे मैं डेफिनेटली वीडियो के थ्रू आपको जरूर बताऊंगा कि स्कूल से मार्क्स जा रहे हैं काउंसिल में कि नहीं जा रहे हैं. ओके, अभी तक इस काउंसिल ने स्कूल से मार्क्स नहीं मांगे हैं, इसलिए मैंने एक सेकंड ऑप्शन भी रखा है कि अगर काउंसिल स्कूल से मार्क्स नहीं ले रहा है तो काउंसिल ने जो प्रोजेक्ट मार्क्स, और या तो कुछ स्कूल प्रोजेक्ट नहीं करते हैं साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बाकी समय प्रोजेक्ट रहता है, पर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में प्रोजेक्ट नहीं लेते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स, तो जो उन्होंने आउट ऑफ 20 मार्क्स ग्रुप वन और ग्रुप टू के लिए, ग्रुप टू से और ग्रुप थ्री से आउट ऑफ 100 मार्क्स जो स्कूल से मांगे हैं, तो उन मार्क्स के बेसिस पे अगर रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे तो कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा, वो भी मैंने ऑप्शन रखा है. और थर्ड लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा इस साल के लिए, मेरे हिसाब से भी रहेगा, जब फ्रॉम स्कूल प्री बोर्ड मार्क्स विद द सेम कैलकुलेशन, मतलब कि वो जो फर्स्ट कैलकुलेशन लास्ट ईयर किया था वही सेम कैलकुलेशन वो स्कूल प्री बोर्ड के मार्क्स अगर काउंसिल मांगता है स्कूल से तब वो कैलकुलेशन करेगा तो क्या कैलकुलेशन होगा. तो स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन से आपको रियली एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका परसेंटेज किस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इस प्री बोर्ड में आपको कितने मार्क्स मिले हैं. हाँ, अगर आपको स्कूल के मार्क्स अभी नहीं मिले हैं, नहीं बताए हैं, तो बेटा ये आपको कन्फर्म करना पड़ेगा अपने स्कूलों से. स्टूडेंट्स, चलते हैं पहले वीडियो की तरफ. लास्ट ईयर का कैलकुलेशन पहले देखते हैं कि लास्ट ईयर कैलकुलेशन में काउंसिल ने कैसा किया और कैसे मार्क्स आए. फिर देखिए लास्ट ईयर काउंसिल ने जब 10th के कैलकुलेशन में 6 पेपर कंप्लीट हो चुके थे, 4 पेपर बाकी थे. अब ये डिपेंड्स है कि आपने सब्जेक्ट चॉइस क्या है उसके हिसाब से 4 पेपर, मैंने यहाँ पे हिंदी एसएस बायो भी पेंडिंग है तो मैं यहाँ पे बायो भी एक ऑप्शन डालता हूँ क्योंकि बायो भी पेंडिंग था. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उसके मैंने बेस्ट 3 के, क्योंकि काउंसिल ने क्या किए थे कि जो पेपर हो गए थे उसमें से जो बेस्ट, क्योंकि उस काउंसिल ने, एक चीज बड़ा याद रखो, उस साल भी मतलब लास्ट ईयर भी रिजल्ट प्रिपरेशन से पहले काउंसिल ने स्कूल से मार्क्स मांगे पर काउंसिल ने स्कूल के मार्क्स नहीं यूज किए. या तो काउंसिल ने स्कूल के बेस्ट 3, वो स्कूल के मार्क्स का बेस्ट 3 लिया था, या तो काउंसिल ने इसको जो एग्जामिनेशन काउंसिल के कंडक्ट हुए थे उसके बेस्ट 3 लिए, पर काउंसिल जो कंडक्ट हुए उसके बेस्ट 3 लिए थे क्योंकि पेपर में यही रिलीज हुआ था. ओके स्टूडेंट, काउंसिल ने अपने जो पेपर हो गए थे उसके बेस्ट 3 मार्क्स, अब मैंने एग्जाम्पल में बेस्ट 3 मार्क्स में मैंने मैथ्स का पेपर हो गया था वो, मैंने साइंस में सिर्फ 2 ही पेपर हुए थे, केमिस्ट्री हुआ था और फिर उसके बाद साइंस में आपका फिजिक्स हुआ था, तो मैंने 2 पेपर के हिसाब से ही मैंने 90 मार्क्स रखे क्योंकि दोनों, मान लीजिए दोनों में आपके 70-70 आउट ऑफ 80 और 20 इंटरनल गया तो 90-90 मार्क्स आ गए. यस, ओके, मैंने ये बेटा एक अच्छे स्टूडेंट के हिसाब से लिए हैं. और अगर इंग्लिश में 65 है उसमें 20 अगर मान लो उन्होंने इंग्लिश को कंपलसरी है तो इंग्लिश को ले लिया, इंग्लिश का पेपर एक इंग्लिश हो गया था, दोनों पेपर हो गए थे, तो यहाँ पे 65 प्लस 20 इज 85, तो ये 85. अब यहाँ पे बेटा जो एवरेज था, एवरेज कैलकुलेशन आप देख सकते हो 88 समथिंग मार्क्स आपके परसेंटेज आ रहे हैं, तो वो हिसाब से उन्होंने हिंदी में भी वही अलॉट किए. अब हिंदी में क्या किया, कुछ इंटरनल कुछ परसेंटेज करके हिंदी में भी सेम 90 के आसपास में, 91-92 हिंदी में थोड़ा आगे जाते हैं. ऐसे इसमें बेटा वही मार्क्स उन्होंने रखे 91-92 के आसपास में, और ग्रुप 3 में डेफिनेटली ग्रुप 3 में बच्चा 90 के ऊपर स्कोर कर रहा है तो ग्रुप 3 में 93-94 ऐसा करके उन्होंने एक रिजल्ट प्रिपरेशन किया और बाद में बच्चे का जो ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो आ गया 92 और 93 के आसपास में, परसेंटेज था वो बच्चे का परसेंटेज आ गया काउंसिल ने इस तरह से रिजल्ट. इसलिए बेटा लास्ट ईयर जो था मैक्सिमम बच्चों को 90 प्लस परसेंट क्यों मिले, क्योंकि काउंसिल ने जो एग्जामिनेशन हो गए थे उसमें से बेस्ट थ्री परसेंटेज को चूज करके बाकी जो एग्जामिनेशन नहीं हुए थे वो सेम परसेंटेज में वही मार्क्स एग्जैक्टली वो या तो उससे एक डिजिट ऊपर या एक डिजिट नीचे ऐसा करके मार्क्स उन्होंने अलॉट किए थे.
काउंसिल ने, और ये रिजल्ट पे, क्योंकि काउंसिल के लास्ट ईयर के रिजल्ट पे किसी भी पेरेंट्स ने या कोई भी मीडिया पे ये ऑब्जेक्शन का कोई भी मतलब ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई दिया, ना पेरेंट ने ऑब्जेक्शन लिया ना बच्चों ने कोई ऑब्जेक्शन लिया, इसलिए काउंसिल अपने उस रिजल्ट पैटर्न से बहुत खुश था, इसलिए उन्होंने इस साल भी इस साल भी उन्होंने काउंसिल ने जो लिखा है कि फेयर एंड अनबायस क्राइटेरियन के ऊपर, देखो यहाँ पे बेटा मैंने नोट भी किया है, फेयर एंड अनबायस क्राइटेरियन के ऊपर बेटा रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे, इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर वो सक्सेस हुए थे अपने रिजल्ट प्रिपरेशन में। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कि स्कूल के अगर स्कूल से प्री बोर्ड मार्क्स नहीं लिए प्रोजेक्ट मार्क्स रहेंगे तो काउंसिल कैसे प्रिपेयर करेगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रोजेक्ट मार्क्स, पहले तो इफ काउंसिल विल नॉट आस्क प्री बोर्ड मार्क्स फ्रॉम स्कूल, प्रोजेक्ट मार्क बड़ा कब रहेगा, जब काउंसिल आपके स्कूल के प्री बोर्ड मार्क्स नहीं मांगेगा, पर लास्ट ईयर उन्होंने प्री बोर्ड मार्क्स मांगे फिर भी उसको यूज नहीं किया, इसलिए देखो प्री बोर्ड मार्क्स मांगेंगे फिर भी वो काउंसिल क्या कैलकुलेशन करेंगे ये हम नहीं कर सकते, पर काउंसिल जो भी कैलकुलेशन करेगा वो चाइल्ड के बेस्ट के लिए कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन कैसा हो सकता है ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसके अलावा दूसरा कोई और मेथड नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। अब देखो काउंसिल नो प्रिंसिपल अलॉटेड द मार्क्स आउट ऑफ 20 इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड आउट ऑफ 100 इन ग्रुप 3, बेटा काउंसिल के पास जो मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आउट ऑफ 20 में वो काउंसिल के पास हैं, एंड आउट ऑफ 100 ग्रुप 3 में वो भी काउंसिल के पास हैं। काउंसिल क्या करेगा यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज कर सकता है, इससे भी आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा आउट, क्योंकि ये 20 आउट ऑफ 20 में जो मार्क्स है उसको अगर आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट कर दिए जाए तो आपका एक मार्क्स मार्कशीट क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपको एग्जांपल में लिया है, एज पर द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इफ द परसेंट इफ द सेम परसेंटेज यूज बाय यूनिटरी मेथड मार्क्स आउट ऑफ 80 कैन बी कैलकुलेट, मैंने आउट ऑफ 80 देखो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं आउट ऑफ 100 की जगह पे आउट ऑफ 80 में कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को 15 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20, तो अगर मुझे आउट ऑफ 80 में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो मार्क्स उसको मिले हैं उसे ऐड कर दो, या तो आउट ऑफ 100 में डायरेक्टली कन्वर्ट, देखो आउट ऑफ 100 मैंने डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट किया, 15 आउट ऑफ 20 इज इक्वल टू एक्स मार्क्स आउट ऑफ 100, कैलकुलेशन करेंगे एक्स इक्वल टू 75 आ रहा है, तो ये मेथड एक हो सकता है। दूसरा मेथड अगर मान लीजिए आपको 19 मिला आउट ऑफ 20 तो एक्स आपका 85, अगर 100 मिला बच्चे को तो मतलब हर बच्चे को 20 आउट ऑफ 20 मिला तो हर बच्चे को 100 आउट ऑफ 100, यहाँ पे काउंसिल क्या करेगा उनके एवरेज देख लेगा, 100 तभी देगा जब उनके सारे सब्जेक्टों में टीचर्स ने उसको 20 आउट ऑफ 20 दिया, डेफिनेटली फिर उस बच्चे को उस बच्चे को मतलब वो बच्चा बिल्कुल बेस्ट है, टॉपर है, तो डेफिनेटली काउंसिल भी उसमें आउट ऑफ मार्क्स उसको अलॉट करेगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 20 में ये यूनिटरी मेथड आउट ऑफ 80 के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सेम मेथड रहेगा बेटा 15 अपॉन 20 एक्स अपॉन 80, तो एक्स अपॉन 80 मतलब ये हो जाएगा आपका सेम वही मार्क्स आएंगे आपके। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स कितना आ जाएगा, ये 60 मार्क्स आ गया, और 15 इंटरनल ऐड करेंगे तो 75 प्लस 15 ऐड कर दो फिर बिकम 75, तो ये कैलकुलेशन पॉसिबिलिटी है कि आपके जो इंटरनल भेजे गए हैं स्कूल से, और ये याद रखना बेटा हर बच्चों के जो ये 15 मार्क्स, दिस इज योर 15 मार्क्स, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 60 15 प्लस 60 इज 75। तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबिलिटी बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ये भी अगर काउंसिल ने आपके प्री बोर्ड मार्क्स नहीं मांगे तो जो मार्क्स आपके इंटरनल मांगे हैं जो है उनके पास मांगे मतलब वो देना पड़ता है हर साल प्रिंसिपल को बेटा, वो मार्क्स जो सबमिट किए हैं प्रिंसिपल ने उसके हिसाब से काउंसिल आउट ऑफ 80 में कन्वर्ट करके ऐड कर सकता है या डायरेक्टली आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट कर सकता है यूनिटरी मेथड के हिसाब से, तो ये स्टूडेंट्स एक मेथड फिक्स हो सकता है काउंसिल का। ओके एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है स्टूडेंट, देखिए ये मैंने सेकंड मेथड लिखा है वो लास्ट ईयर का मेथड था, ये मतलब कि दिस फॉर दिस ईयर दिस इज फर्स्ट मेथड टू गिव द अलॉटेड द मार्क फॉर द आईसीएसई क्लास 10th एग्जामिनेशंस के लिए। अब नेक्स्ट में जो मेथड है प्री बोर्ड, बेटा इसके चांसेस ज्यादा इसलिए है क्योंकि प्री बोर्ड से उनको एक आइडिया मिलता है स्टूडेंट्स, हो सकता है प्री बोर्ड से वो सिर्फ मार्क्स आइडिया लेने के लिए अपने मार्क्स को मांगे, बाकी प्री बोर्ड के मार्क्स को वो कैलकुलेशन में नहीं जाएगा। देखो अब यहाँ पे प्री बोर्ड में क्या करेंगे, इफ काउंसिल आस्क्स द मार्क्स फ्रॉम द स्कूल लाइक ए लास्ट ईयर बट देयर विल बी अब यहाँ पे बड़ा दो कंफ्यूजन काउंसिल करेगा, क्या कंफ्यूजन रहेगा कि वन पेपर करेक्शन बाय द सेम स्कूल्स ऑन विच बेसिस, मतलब पेपर उन्होंने कैसे करेक्शंस किए हैं, डिफिकल्ट लेवल में करेक्शंस किए हैं या इजी लेवल में करेक्शन किए हैं, क्योंकि बिकॉज स्कूल में प्री बोर्ड हो तो पेपर टीचर्स टफ चेक करते हैं इसलिए कि बच्चा और ज्यादा हार्ड वर्क करे 2-2.5 महीने में और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, ये आप भी एग्री हो इस चीज के लिए, और मैक्सिमम स्कूल से काम करते हैं ये हम, क्योंकि स्कूल को टीचर को ऐसा बोला जाता है कि डिफिकल्ट चेक करो बच्चों को मार्क्स कम से कम अलॉट करो उनकी गलतियां बताओ, तो यहाँ पे एक चीज ये हर स्कूलों में होती है काउंसिल्स नोज दिस, मेरा काउंसिल को एक चीज मालूम है। सेकंड चीज की प्री बोर्ड का जब पेपर बनता है
तो वो पेपर भी इजी नहीं बनता है। वो किस लेवल पर बनता है वो डिपेंड्स है उस स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर ने क्या अपना मतलब की स्ट्रेटेजी जो बनाई है वो हिसाब से पेपर प्रिपेयर करते हैं। वो बोर्ड से लेवल डेफिनेटली वो ऊपर ही रहता है, बोर्ड से लेवल में हार्ड रहता है और डिफिकल्ट रहता है। तो काउंसिल को ये दोनों चीजें मालूम है कि पेपर का लेवल हाई रहता है, करेक्शन टफ रहता है। तो वो हिसाब से काउंसिल क्या करेगा कि जो भी आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें से भी वापस वो क्या करेगा, बेस्ट थ्री चूज कर सकता है। अगर बेस्ट थ्री चूज करता है और आउट ऑफ 80 आपको अगर बेस्ट थ्री में मान लीजिए किसी एक में 60 हो गया, ओके, किसी एक में आपका 60 की जगह पे किसी एक में आपका 65 आ गया है, ओके, किसी एक में आपका 70 आ गया है, तो वो हिसाब से आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 65 लगभग 65 के आसपास हो गया। Yes, अगर मान लीजिए 75 मैंने ले लिया किसी एक में तो आपका 75 तो मतलब तो भी आपका 70 मतलब 77 ओके 67 68 आपका एवरेज आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए आपका एवरेज 60 तीन बेस्ट सब्जेक्ट में आपका एवरेज अगर 65 और 70 तक आता है तो देन बेटा अगर आपके इंटरनल मार्क्स 19 या 18 अगर जिसको 65 आ रहा है डेफिनेटली उसको 19 तक स्कूल से गए होंगे तो फिर ये आपके मार्क्स 65 में अगर 19 ऐड करेंगे तो ये आपके 84% मतलब आपके जो परसेंटेज है वो 84 मतलब जो बच्चे एवरेज है जिनके मार्क्स तीन एटलीस्ट बेस्ट सब्जेक्ट में 60 से 65 और 70 तक आए हैं तो वो समझ लीजिए आपका परसेंटेज 84 से लेके 88% तक जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स क्लियर। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट के परसेंटेज अब हो सकता है काउंसिल इसमें कुछ इंटरनल ग्रेस भी कर दे, हो सकता है कि जिसका 65-60 हो तो 88 नहीं 90, ये हो सकता है कि 88 भी नहीं आपका 90 टच कर दे या 91 तक परसेंटेज तक भी जा सकता है। अब स्टूडेंट जिन स्टूडेंट के मार्क्स बेस्ट थ्री एटलीस्ट थ्री सब्जेक्ट में मार्क्स ओके थ्री सब्जेक्ट में अगर मार्क्स 65 से लेके ओके 75 के बीच में है ओके तो उनके मार्क्स क्या हो सकते हैं बेटा। अब उनके मार्क्स तीन सब्जेक्ट में अगर ये हैं तो डेफिनेटली उनका जो एवरेज रहेगा वो 70 प्लस कैलकुलेट होगा। अब 70 प्लस कैलकुलेट होगा तो उनका स्कूल में इंटरनल 20 और 19 के आसपास मिला होगा तो उनका परसेंटेज बेटा 92। ओके स्टूडेंट्स ये आपका एक कैलकुलेशन हो गया। नाउ 90% वो आपका जा सकता है बेटा 94%। नेक्स्ट एक कैलकुलेशन में जो बच्चे कंटिन्यूअस पूछना है मेरा परसेंटेज 35 के बिलो है 40 है बेटा उनके लिए मैं कैलकुलेशन में छोटा सा बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके बेस्ट 3% क्योंकि 35 वो तो ओवरऑल सब सब्जेक्ट रहेंगे, अगर मान लीजिए बेस्ट में आपके 40-50 मार्क्स आपके तीन सब्जेक्ट में 40-50 मार्क्स किसी में 42 आ गया किसी में 45 आ गया किसी में 50 आ गया ये आपके स्कूल के प्री बोर्ड में मार्क्स हैं। यस या स्कूल के प्री बोर्ड मार्क्स में नहीं क्योंकि काउंसिल बेटा इसमें देखिए प्री बोर्ड में मार्क्स अगर वो बहुत ही टफ है बहुत ही फेल तो वो इंटरनल बेसिस पे जब जाके देख सकते हैं। ओके अब इसमें जो मार्क्स आ गए इसमें मान लीजिए आपका एवरेज आ जाता है 45 अगर 45 आ जाता है उसमें अगर स्कूल ने आपके 15 भी अगर इंटरनल 15 से कम बेटा कोई स्कूल नहीं देता है 15 इंटरनल दे दिया तो 60% आता है तो काउंसिल उसमें इंटरनल ग्रेस कुछ ना कुछ देगा ही देगा तो आपका जो 65% से लेके ओके 70% के बीच में मार्क्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी मेरे खुद के स्कूल में किसी बच्चों को 60% के नीचे मार्क्स नहीं मिले थे। ओके तो इसलिए आप इसके लिए बेफिक्र होकर चलिए कि नहीं मेरा परसेंटेज 50 बिलो जाएगा। 50 बिलो तो हार्डली शायद ही किसी का 60 बिलो जाए, 50 बिलो तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके हर किसी बच्चे का मार्क्स 55% के ऊपर ही रहेगा, 60% के ऊपर मोस्टली रहेगा। ओके मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिसके मार्क्स बहुत ही कम रहेंगे, प्री बोर्ड के मार्क्स अगर भेजे हैं बहुत कम और इंटरनल स्कूल में भेजे तो वो भी बहुत अगर कम भेजेंगे तो ये चांसेस हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आईसीएसई की कंप्लीट जानकारी के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मेरे कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ स्टूडेंट्स मैंने इस पर कितनी मेहनत की है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।